हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरी एक और न्यू वीडियो में। मेरा नाम है मंजीत और हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल टाइम फेवरेट डॉग ब्रीड के बारे में, जो है जर्मन शेफर्ड। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, पपीज मीडियम कोट में है और ये सभी सिर्फ फीमेल ही अवेलेबल है, मेल ऑलरेडी सेल हो चुके हैं। और हाँ गाइस, जर्मन शेफर्ड में जो मीडियम कोट होता है वो शॉर्ट कोट से थोड़ा बड़ा होता है। वैसे इस चीज को लेके लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं। वैसे देखा जाए तो मीडियम कोट जर्मन शेफर्ड काफी अच्छे रहते हैं। अगर आप लोग डबल कोट या फिर लॉन्ग कोट लेते हैं तो गर्मियों में आप लोगों को उनकी बहुत ही ज्यादा केयर करनी पड़ती है। जर्मन शेफर्ड एक ऐसी डॉग ब्रीड है, जब भी इनका कोई फैमिली मेंबर बाहर से घर आता है तो ये हमेशा गेट पे उनका वेलकम करने के लिए रेडी रहते हैं। जर्मन शेफर्ड बहुत ही फ्रेंडली, इंटेलिजेंट, लॉयल और बहुत ही अच्छे गार्ड डॉग्स होते हैं। और गाइस, अगर आपके घर में जर्मन शेफर्ड है तो आप लोग अपने घर को खुला भी छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनके होते हुए आप लोगों के घर में कोई भी स्ट्रेंजर एंटर करे। और गाइस, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ओनर हैं तो भी आप लोग जर्मन शेफर्ड को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए भी ये डॉग ब्रीड बहुत ही अच्छी है। और गाइस, जब मैंने जर्मन शेफर्ड को परचेज किया था तो मैं भी फर्स्ट टाइम ओनर ही था, बट मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत ही अमेजिंग रहा है। और मैंने इसको बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया हुआ है और वो भी काफी सारी चीजों के लिए। मुझे ट्रेन करने में इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, इवन मैं इसे अब भी काफी चीजों के लिए ट्रेन कर रहा हूँ और ये बहुत ही जल्दी उन चीजों को सीख भी जाती है। और गाइस, जिनके पास जर्मन शेफर्ड है, मुझे नहीं लगता कि इन डॉग्स को रखने के बाद उन्हें कोई और डॉग ब्रीड पसंद आएगी, क्योंकि जर्मन शेफर्ड में आप लोगों को हर एक वो क्वालिटीज मिल जाती है जो एक अच्छे डॉग में होनी चाहिए। बाकी पपीज की क्वालिटी तो काफी अच्छी है ही। एक बार मैं आप लोगों को इनके मदर फादर की फोटोज भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है इन पपीज के फादर। क्वालिटी आप लोग इसकी देख सकते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी है। और ये है इन पपीज की मदर। तो इन दोनों की क्वालिटी आप लोगों को कैसी लगी, मुझे आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो गाइस, ये तो थे कुछ फैक्ट्स जर्मन शेफर्ड के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं इनकी बाकी की इन्फॉर्मेशन के बारे में, इनकी एज, प्राइस और लोकेशन। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करें इनकी एज के बारे में, तो पपीज 45 डेज के हो चुके हैं और इनकी जो लोकेशन है वो है भिवानी, हरियाणा से। और अगर बात करें डिलीवरी के बारे में, तो डिलीवरी में आप लोगों को सिर्फ सिंगल ही ऑप्शन मिल रहा है और वो है डायरेक्ट जाकर इन पपीज को परचेज करना, क्योंकि डिलीवरी आप लोगों को इन पपीज पे अवेलेबल नहीं मिल पाएगी। तो आप में से जो भी रीजनेबल प्राइस में जर्मन शेफर्ड पपीज को परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग डॉग ओनर से बात कर सकते हैं, नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो प्राइस के बारे में बात करने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी के डॉग्स और वो भी काफी रीजनेबल प्राइस में लाता रहता हूं। तो चलिए फाइनली बात करते हैं इन पपीज के प्राइस के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, ये सिर्फ फीमेल ही अवेलेबल है। तो ओनर ने जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो के जस्ट 8,000 रुपीज, यानी 8,000 रुपए, और ये प्राइस भी नेगोशिएबल है। मुझे तो इन पपीज का प्राइस काफी अच्छा लगा, फिर भी मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि अकॉर्डिंग टू क्वालिटी आप लोगों को इनका प्राइस कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो जल्दी मिलते हैं हमारी एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए गुड बाय।